कार आज हम स्टूडियो में डैशबोर्ड पेज देखेंगे। यहाँ पर आप टुडे से लेकर 60 डे तक आपका जो सेल है परचेज दोनों आप डैशबोर्ड पेज पर देख सकते हो। डैशबोर्ड पेज के नीचे आप यहाँ पर आपका जो स्टॉक है, आपके स्टोर पर कितने रुपीस का स्टॉक है, करंट स्टॉक और एक्सपायर्ड स्टॉक बाय पीटीआर लैंडिंग प्राइस एवं एमआर के साथ आप डैशबोर्ड पेज पे देख सकते हो। उसके नीचे आपका जो स्टाफ मेंबर का लॉगिन है, तो स्टाफ मेंबर आपके सॉफ्टवेयर में क्या वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप उनका सेल और परचेज दोनों देख सकते हो। यहाँ पर आप फिल्टर आउट भी कर सकते हो 2 डे से लेकर 30 डे तक, और यहाँ पर आप देख सकते हो आपके स्टाफ मेंबर क्या वर्क कर रहे हैं। उसके पास में नीड टू कलेक्ट का ऑप्शन है, आपके जो कस्टमर है वो क्रेडिट में प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो उनको कितना पे करना है आपको, तो यहाँ पर व्यू ऑल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जाके आप देख सकते हो। नीड टू पे आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है आपको उनको कितना पेमेंट करना है, आप क्रेडिट में जो प्रोडक्ट लेते हो परचेज करते हो तो उनको आपको कितना पे करना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके ऊपर है सेल मार्जिन, सेल मार्जिन में डेली बेसिस पर वर्क करता है, आप डेली का जितना सेल करते हो उसमें आपको कितना मार्जिन मिल रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो। अपकमिंग पीडीसी, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है आप उनको चेक देते हो वो कौन सी डेट पर इश्यू करवाने वाले हैं और कितना अमाउंट का चेक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जिससे आपको इतना आपके बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट रखना है इसका आइडिया आपको रहता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिडल में ही हमने एक्सपायरी आइटम और एक्सपायर्ड आइटम की हमने ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे कि आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पेज से ही पता चल जाए कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाली है, नियर बाय एक्सपायरी कौन सी प्रोडक्ट है, और जो प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो चुकी है वो भी आप यहाँ पर दूसरे पेज पर देख सकते हो। और नीचे आपको व्यू ऑल का ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। उसके ऊपर आपको लॉयल्टी पॉइंट का ऑप्शन दिया गया है, तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप अपने कस्टमर को किस तरह से लॉयल्टी पॉइंट दे रहे हो और कितने कस्टमर ने कितने लॉयल्टी पॉइंट अर्न करे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ से चेक कर सकते हो। इस तरह से आप डैशबोर्ड पेज मैनेज कर सकते हो। थैंक यू।